रहमान रहीम एम यूसुफ सिद्दीकी योर कोर्स फैसिलिटेटर फॉर रिटेल मैनेजमेंट सो रिटेलिंग क्या है सबसे पहले इस टॉपिक को हम यहां से आगाज करेंगे रिटेलिंग इन्वॉल्व अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू एंड कंज्यूमर थ्रू डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट तो अगर मैं इस डेफिनेशन को समराइज करने की कोशिश करूं चार डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर तो सबसे पहले ये एक प्रोसेस है दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ प्रोडक्ट सेलिंग टू द एंड कंज्यूमर टू द यूजर की बात हो रही है प्रोडक्ट कैन बी अ प्रोडक्ट और इट कैन बी अ सर्विस तीसरे लेवल के ऊपर यहां पर डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल स्टोर ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल स्टोर ऑल्सो इसी तरीके से द फोर्थ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज टू अर्न प्रॉफिट which is the main course, main objective of the organization. let me take you to, to another part of the definition. dusra part, if i say. So, aapke samane, you can see it on the screen also. distribution of consumer products, we all know that starts from the producer and goes up till the consumer. so this pure process ke andar, there is a middleman which is involved. and that middleman is called a retailer, which means the journey from producer or the importer to the dist to, to the end consumer is actually you, you will find one party which is called a retailer. so you will find a close connect between a consumer and a retailer. so as a summary of the definition only, if i see it here, so it, retailing involves selling of goods as well as selling of services or both goods and services both to the end consumer. People call it a B2B, not B2B, it is a B2C. So, what is B2B actually? We need to understand first because it is business to business. But in this case, when we talk about retailing, it is actually B2C, which is business to the consumer. When a particular organization is selling their products or services to the end consumer, which is B2C, which is called B2C, it is called uh, retailing in this perspective. All right. So you diagram which will explain you different journeys that a producer will follow to reach to its customer. So, first of all, if you see selling of products directly to the consumer. So, in the first part, you can see a producer which is directly approaching a consumer. So, there can be a lot of examples. For example. आपको देखते होंगे कोई हनी सेलर है कुछ शहद को बेचने वाला है सो ही इज अ प्रोड्यूसर एट दैट टाइम एंड एट द सेम टाइम अगर वो कस्टमर को डायरेक्टली सेल भी कर रहा है सो दैट प्रोड्यूसर विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिटेलर सो देर कैन बी डिफरेंट रोल्स जो कि एक प्रोड्यूसर के हो सकते हैं जो कि एक रिटेलर के हो सकते हैं सो एट द सेम टाइम हि इज ए प्रोड्यूसर एज वेल एज द रिटेलर सो सेकेंड वे ऑफ रीचिंग टू दंज्यूमर इज वेर अ प्रोड्यूसर इनवॉल्व रिटेलर इन टू द होल प्रोसेस इस तरह के केस के अंदर प्रोड्यूसर सेल करता है अपने प्रोडक्ट्स को टू द रिटेलर एंड रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल करता है टू द एंड कंज्यूमर देन देर इज अ थर्ड पार्ट जिस तरीके से प्रोड्यूसर इन्वॉल्व करता है एक और इंटरमीडियरी को जिस तरीके से हमने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया कि द रिटेलर इज वन ऑफ द इंटरमीडियरीज इसी तरीके से होलसेलर इज आल्सो वन ऑफ द इंटरमीडियरीज इन द होल प्रोसेस तो यहां पर अगर हम देखते हैं सो प्रोड्यूसर सेल इट्स प्रोडक्ट टू द होलसेलर होलसेलर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है टू द रिटेलर एंड देन रिटेलर ये प्रोडक्ट पहुंचा रहा है टू द एंड कंज्यूमर टू द फाइनल यूजर यू विल सी दैट और बहुत सारे केसेस के अंदर यू विल ऑब्जर्व ऑल्सो के देर आर सम केसेस जहां पर प्रोड्यूसर के साथ होलसेलर के साथ रिटेलर के साथ के दरमियान में एक और पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है एज एन इंटरमीडियरी जो कि सम टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर का तौर पे कहलाती है जिस तरीके से उस तरह के सिनेरियो में व्हाट वुड बी द चेन प्रोसेस इट वुड बी लाइक के प्रोड्यूसर विल बी सेलिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर इस केस के अंदर सेल कर रहा होगा द प्रोडक्ट टू दी होलसेलर एंड होलसेलर विल बी सेलिंग दीज प्रोडक्ट टू द रिटेलर एंड रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा टू द एंड कंज्यूमर इसके एग्जाम्पल को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं क्विकली जिस तरीके से लेट मी give you an example of nestle in pakistan so let's say or unilever in pakistan so normally what they do they sell their products to the distributor they have different distributors in different cities into different provinces Wo distributors sell carton products to different wholesalers and then let's say into different wholesale markets एग्जाम्पल आपके पास लटसे लाहौर के अंदर इट इज शालम मार्केट इफ आई टॉक टॉक अबाउट लटसेपिंडी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर इट इज धनकारी बाजार सो so, ये तमाम होलसेल मार्केट ऐसी हैं जिसके ऊपर होलसेलर मौजूद है सो so, वो डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है प्रोडक्ट को टू तो द होलसेलर एंड देन होलसेलर टू तो टू द तो रिटेलर अब इस तरह के लटसे नेस्ले की बात करते हैं या यूनि लेवर की बात करते हैं और पीएनजी की बात करते हैं इस तरह के केसेस के अंदर वो रिटेलर कौन है एक जनरल और किराना स्टोर वाला जो कि एक मोमेंट पॉप शॉप है तो वो रिटेलर देन प्रोडक्ट को सेल करता है आपको और मुझे क्योंकि आप और मैं है कंज्यूमर एंड कंज्यूमर जिन्होंने इस प्रोडक्ट को फाइनली यूज करना है